तभी हम देख रहे हैं माइक्रोसॉफ्ट वर्ड के ऊपर एक एडमिशन फॉर्म कैसे बना सकते हैं। तो सबसे पहले एडमिशन फॉर्म बनाने के लिए फाइल में जाके यहाँ से सेव पर क्लिक करेंगे, यहाँ से ब्राउज करेंगे, सेव करेंगे। फाइल को कहाँ सेव करना है, तो हमने अपना एक फोल्डर बना रखा है, वहाँ जाके सेव कर देते हैं। यहाँ पे वर्ड फाइल्स हाइएस्ट के नाम से फोल्डर है, इसमें जाके हम सेव कर रहे हैं एडमिशन फॉर्म के नाम से। तो यहाँ पे एडमिशन फॉर्म के नाम से हमने फाइल को सेव कर दिया, ये फाइल सेव हो गई। अब जिस स्कूल कॉलेज यूनिवर्सिटी का आप एडमिशन फॉर्म बनाने जा रहे हैं उसका नाम लिख लें, अपने अपने स्कूल के नाम लिख लें, या जैसे यहाँ पढ़ते हैं इनका नाम लिख दें, तो यहाँ लिख लेते हैं, ठीक है, एंटर कॉलेज ऑफ कंप्यूटर साइंस एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, और यहाँ पर हमने लिख दिया एडमिशन फॉर्म। ठीक है, लिखने के बाद यहाँ पर हमने एक सपोज टू बी फील्ड डिसाइड करनी है कितनी है, हमारा पेपर कितना है, हमारा पेपर के पास जो एक इंच का मार्जिन और दूसरा इंच का मार्जिन है, फिर एक इंच, दो इंच, तीन इंच, चार इंच, पाँच, छः, सात इंच हमारे पास यहाँ पे स्पेस है। यहाँ का सेंटर पॉइंट लेंगे तो तकरीबन 3.5 इंच सेंटर आएगा यहाँ पर। ठीक है, तो अब सबसे पहली फीस आएगी जी आर नंबर, तो GR हैश, शिफ्ट के साथ माइनस का बटन दबाया और ये इतनी आगे लिया है, 1 2 3 3 टैब लिए, और अभी 180% मैंने कर रखा है, थोड़ा जूम करके जूम आउट करता हूँ। हाँ, तो इतने पे जी आर नंबर आ जाएगा, 1 2 3 टैब दबा रहा हूँ मैं, एक और टैब दबाया, फिर एक और टैब दबाया, फिर एक और टैब दबाया, यहाँ पे लिखा मैंने डेट। अब ये डेट आएगी यानी कि एडमिशन वाली, या आप डेट लिख के शिफ्ट के साथ माइनस का बटन दबाया और ये एंड तक लिखा कि इतनी बड़ी डेट आ जाएगी, ज़्यादा जाएगा तो नीचे आ जाएगा, बैक स्पेस दबा देना। तो इस तरह से अब यहाँ पे ख्याल करना, ये करने से पहले जो मैं गलती कर गया, फॉन्ट सेट कर ले पहले अपना, मैंने फॉन्ट सेट कर दिया, और फॉन्ट का साइज सेट कर ले, साइज से भी बड़ा फर्क पड़ रहा है देखें, तो ये कम करना पड़ेगा हमें बैक स्पेस से, तो बहुत ज़्यादा कोने में चला गया, तो यहाँ पे थोड़ा एक स्टेप पीछे ले लेते, तो यहाँ पे बैक स्पेस कर दिया, पीछे आ गया, अब थोड़ा सा बढ़ा लेते शिफ्ट के साथ माइनस, ये नीचे आया, बैक स्पेस दिया, एंटर। सही, अब समझ में आ गई बात ये, तो अब यहाँ से 14 के फॉन्ट पे चलेगा सारा काम। सही, तो यहाँ पे हमने लिखा फुल नेम, शिफ्ट के साथ माइनस का बटन दबाया, बैक स्पेस एंटर, फादर्स नेम, शिफ्ट के साथ माइनस का बटन दबाया, बैक स्पेस एंटर, फिर सर नेम, शिफ्ट के साथ माइनस, अब ये शिफ्ट का साथ माइनस का बटन हमने सिर्फ यहाँ तक लिया इसको ना, 3.5 तक जो हाफ पे आया, टैब दबाया, फिर उसके आगे हमने एक टैब दिया डेट ऑफ बर्थ। अब डेट ऑफ बर्थ जो लिखी जाएगी शिफ्ट के साथ माइनस का बटन दबाया, इतने सारे हिस्से में आ जाएगी, काफी इतना, ठीक है, एंटर दबाया, फिर हमने यहाँ पे लिखा डेट ऑफ बर्थ इनवर्ड्स, शिफ्ट के साथ माइनस का बटन दबाया, ये पूरा हो गया, बैक स्पेस एंटर, फिर क्या लेंगे यहाँ पे जेंडर, शिफ्ट के साथ माइनस का बटन दबाया और ये इतना आ जाएगा, ठीक है, जेंडर के लिए इतना काफ़ी है, एक लेवल पे चल रहे हैं, टैप, अच्छा, उसके बाद क्या आएगा, अब जेंडर से रिलेटेड कोई ऐसी एंट्री हो जो हाफ हो, जैसे कोर्स, कौन से कोर्स में एडमिशन ले रहा है उसका जिक्र यहाँ पे आ जाएगा, ठीक है, एंटर। उसके बाद यहाँ पे हमने लिया सपोज टू बी एड्रेस, शिफ्ट के साथ पूरी एक लाइन पे एड्रेस आ जाएगा, बल्कि एड्रेस के लिए दो लाइनें देते हैं एंटर दबा के, फिर एक और लाइन आपने ड्रॉ कर देनी है। एड्रेस के बाद क्या आएगा, सिटी, अच्छा ये इस तरह हो जाए तो अंडू कर देना कंट्रोल जेड, ये सेट हो जाएगा, मतलब जैसे ही आप यहाँ पे एंटर दबा के नीचे आएंगे, ये देखिए यहाँ पे आपने एंटर दबाया, एंटर ऐसा हो जाएगा, तो अंडू कंट्रोल जेड या यहाँ से जाके अंडू कर देना, सेट हो जाएगा ये। अच्छा उसके बाद क्या है, सिटी, शिफ्ट के साथ माइनस का बटन दबाया, और उसके बाद क्या आएगा, सिटी के बाद डिस्ट्रिक्ट, यहाँ पे आ गया, सॉरी, ठीक है, अब आ गया यहाँ पे आगे चल के, तो भाई सिटी हो गया, डिस्ट्रिक्ट हो गया, कॉन्टैक्ट, तो कॉन्टैक्ट हमने ले लिया इस तरह से, आजकल कॉन्टैक्ट पहले नंबर ले लेते हैं, शिफ्ट के साथ माइनस का बटन दबाया, यहाँ तक लिया, उसका टैब दबाया, व्हाट्सएप ले लिया, शिफ्ट के साथ माइनस का बटन दबाया, एंड तक आ गए, एंटर, ठीक है, इस तरह से सिलसिला जा। अब उसके बाद मजीद इसके अंदर हमें क्या पूछना है, भाई जैसे नॉर्मली एकेडमीज के अंदर तो यही इन्फॉर्मेशन चाहिए, कौन से कोर्स में एडमिशन लेना है, उसको एड्रेस क्या है, सिटी क्या है, कॉन्टैक्ट क्या है, ये बाकी कुछ है, रूल्स एंड रेगुलेशन होते हैं, उसको हम टाइप कर लेते हैं, जैसे उसमें लिखा जाता है कि रूल्स, अब रूल्स जो होते हैं वो थोड़े से छोटे करके लिखे जाते हैं, फॉन्ट साइज कम लिखा जाता है, तो यहाँ पे हमने ले लिया जैसे फॉन्ट साइज को थोड़ा सा कम करके 12 पे ले लेते हैं, 11 पे ले लेते हैं, रूल्स ले लिया इस तरह से, और वो जनरल से रूल जैसे यहाँ पे हमने टाइप कर दिए, ये रूल्स है भाई। उसके बाद वो ये कहता है कि
नीचे ले लेते हैं आई एग्री, या रूल्स ले लें, इंस्ट्रक्शंस ले लें, रूल सही रहेगा। उसके बाद आई एग्री का एक बटन बना देंगे, आई एग्री, ठीक है। उसके बाद सेलेक्ट करके यहाँ से उसको थोड़ा सा फॉन्ट साइज बढ़ा के बोल्ड कर देंगे कि भाई उसने एग्री कर लिया, सर एंटर करेंगे अनबोल्ड कर देंगे। अच्छा, उसके बाद हमारे पास काफ़ी स्पेस है। अब हम क्या करेंगे, पहले थोड़ा देखें ऊपर वाले हिस्से को सेट कर लेते हैं। इसको हमें टाइटल बनाना है, टाइटल बना दिया, सेंटर कर दिया इसको यहाँ से, और इसका फॉन्ट साइज जो है यहाँ से इस तरह का रख लिया। उसके बाद सेलेक्ट करना है यहाँ पे, इसको सब टाइटल बनाना है तो यहाँ पे इसको सेट कर दिया। इसका फॉन्ट साइज बढ़ाना है यहाँ पे, सेंटर कर दिया, और फॉन्ट साइज बढ़ाना है इस तरह से कर दिया। तो सेलेक्ट किया यहाँ पे, क्लिक किया यहाँ पे, और यहाँ पे क्लिक करके एडमिशन फॉर्म पर रख दिया इसको यहाँ पे, ये वाला इस तरह से, या ये वाला ले लें, हाँ ये भी सही है, लेकिन इस पर गैप ज़्यादा आ रहा है तो फॉन्ट साइज बढ़ा के इसको 16 पे रख दिया। गैप कम करने के लिए क्या करेंगे, लेआउट पे जाएंगे, यहाँ से इसको 0 करेंगे और यहाँ से इसको 0 करेंगे, लेकिन अभी भी ज़्यादा गैप पर है तो कंसीडर करना चाहिए वैसे, ठीक है। चलो नीचे हमारे पास स्पेस है, अभी चला लेंगे काम। सेलेक्ट करेंगे यहाँ पे, इतने हिस्से को लाइन स्पेस पर बढ़ाएंगे यहाँ से, तो यहाँ से जाएंगे लाइन स्पेस पर, और यहाँ से जाके लाइन स्पेस को डेढ़ लाइन पर रख लेते हैं ताकि लिखने वाले को आसानी हो। दो लाइन पे करें और यहाँ पे क्लिक करके थोड़ा सा एक इंटर दबा दें, तो ये से नीचे। अब थोड़ा इंटर दबाएंगे तो यहाँ पे स्पेस ज़्यादा आ गया, कम करने के लिए स्पेस यहाँ से फॉन्ट का कम कर लें, ठीक है, ताकि लिखने वाले को थोड़ी सी आसानी रहे। और यहाँ आ गया, अभी भी हमारे पास काफ़ी स्पेस है नीचे, तो ये एडमिशन फॉर्म अच्छा सा लिखा हुआ आ गया, ऊपर आ गया ये सारी चीज़ें। रूल्स के लिए भी हमारे पास थोड़ा सा ऑप्शन है कि इसको भी थोड़ा सा बोल्ड कर दें ताकि थोड़ा इस तरह नजर आए और ये रूल्स पढ़ने में उसके आसानी रहे। एंटर कर देते हैं। अब एग्री करने के बाद अगर कोई और फील्ड रह गई है बीच के अंदर तो वो आप ऐड करा सकते हैं। कोई फील्ड याद आ रही है, कुछ रह गई हो तो? भाई किस कोर्स में एडमिशन ले रहा है वो, और सिटी क्या है, डिस्ट्रिक्ट क्या है, कॉन्टैक्ट क्या है, व्हाट्सएप क्या है, एड्रेस भी आ गया उसका। यही जनरल फील्ड्स होती है, डेट ऑफ बर्थ भी आ गई इसकी। जाओ, ठीक है ना, तो इसमें से कोई ना कोई हमारे पास ऑप्शन आ रहा होगा। अब हम नीचे जाएंगे तो वो ले लेंगे सिग्नेचर, तो उसको कैसे बनाएंगे, तो यहाँ पे हम लिखेंगे, यहाँ पे जाके लाइन बनाएंगे ऐसे करके शिफ्ट के साथ माइनस का बटन दबा के, फिर टैब दबाएंगे दो दफा, फिर एक और लाइन बनाएंगे यहाँ पे, फिर टैब दबाएंगे एक और दफा, फिर शिफ्ट के साथ एक लाइन बनाएंगे यहाँ पे, तो यहाँ पे लिखेंगे जैसे कैंडिडेट सिग्नेचर, ठीक है। फिर आगे ले लेते हैं पेरेंट्स सिग्नेचर, और फिर यहाँ पे लेंगे प्रिंसिपल सिग्नेचर, ये लिख दिया हमने। इन तीनों को सेलेक्ट कर लेंगे, सेलेक्ट करने के बाद यहाँ जाएंगे, स्ट्रॉन्ग कर दें इसको यहाँ से, या इंटेंस पे कर दें, अच्छा सा स्टाइल ले लेंगे इसको, लेके थोड़ा बोल्ड कर दें, थोड़ा फॉन्ट साइज बढ़ा के 11 पे कर लें, ये नीचे चला जाएगा, इसको बैक स्पेस कर दें सेट, अच्छा लग रहा है। यहाँ पे क्लिक करके एंटर का बटन दबाएं, 1 2 3, तो यहाँ पे साइन आ जाएंगे, यानी ज़्यादा स्पेस दबाएंगे तो ये अगली पेज पे चला जाएगा, तो फिर बैक स्पेस दबा देना है इस तरीके से, सेव। ये देखें अब कलर वगैरह आपको, अच्छा ये आखिरी पेज ऐड हो गया तो लास्ट पे रख के यहाँ पे रख के, चलो आने दोस्तों कोई फर्क नहीं पड़ता, डिलीट का बटन दबाते हैं, यानी कि यहाँ पे रख के डिलीट का बटन दबाएंगे ना कीबोर्ड से, DEL, कौन सा बटन होता है डिलीट का, ये देखें ये वाला, जैसे ही डिलीट का बटन दबाएंगे कीबोर्ड से यहाँ पे रख के, खत्म हो गया पेज, तो ये इस तरह से आ जाता है। अच्छा, उसके बाद अब इसमें कलर वगैरह डालना है, तो देखिए हम कलर डाल देते हैं इसके अंदर, जैसे हम दो कलर्स वगैरह लेते हैं इसको, सही है, अच्छा लग रहा है, सही बन गया, तो ये बनाना है आपने, ठीक है, मैं इसको सेव कर लेता हूँ।